आम्रपाली के धोखों की फेहरिस्त दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आम्रपाली के तकरीबन 10 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स इस समय टोटल शट डाउन है और कुछ ऐसे ही कस्टमर्स हैं उन प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जो बहुत परेशान हैं, जिनको अपना इंसाफ अब तक नहीं मिल पा रहा है। कुछ ऐसे ही किसी कस्टमर के साथ आज हम जुड़े हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं सर। मैंने भी संतोष कुमार मैंने अमरपाली का जो है सेंचुरियन पार्क में इन्वेस्ट किया था 2009 में। आज तक ना मुझे पोजेशन मिला ना कंपनी की तरफ से कोई रेस्पॉन्स है। तो अभी नंबर ऑफ टाइम मैं उनके ऑफिस गया, उनसे उनके एम्प्लॉय से मिला, एम्प्लॉय से मिला है, बट कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रही है। ना डायरेक्टर सामने आ रहा है, ना डायरेक्टर कोई जवाब नहीं दे रहे। सर, तो आप आम्रपाली के जब ऑफिस जाते हैं, उनके हेड ऑफिस जाते हैं नोएडा में, तो किससे वहां मुलाकात होती है, किससे बात होती है आपकी? अमरेवाली का ऑफिस जाता है उनका, वहां पर जो सेंटर मिलता है, जो मैनेजर बैठा रखा है वो बोल रहा है कि ये काम कीजिए, प्रोजेक्ट ऑफिस में जाइए, आप प्रोजेक्ट के बारे में पता कर लीजिए। व्हेन वी वेंट टू द प्रोजेक्ट ऑफिसर, प्रोजेक्ट मैनेजर से मिला भी था, प्रोजेक्ट मैनेजर को सारे प्रॉब्लम भी बताया। प्रोजेक्ट मैनेजर कह रहे हैं कि व्हाट वी कैन डू नथिंग, आप वेट कर लीजिए एक साल और, जब इतना आपने वेट किया एक साल और वेट कर लीजिए। तो सर, इसमें आपने कोई कानूनी कार्रवाई या कानून की कोई मदद ली? अभी मैंने किया नहीं कानूनी कार्रवाई कोई भी नहीं किया। मैं अभी प्लानिंग जो नोएडा अथॉरिटी के अंदर जितना भी रजिस्टर्ड जो डीलर है, जो वेंडर है, सबको कह रहे हैं कि सबका एक ग्रुप बना के ग्रुप के साथ चलने के लिए मुझे बताया गया। आप ग्रुप के साथ चलिए, कुछ रिजल्ट निकल आएगा। ग्रुप के साथ चलिए। तो सर, ऐसे किसी ग्रुप को आपने ज्वाइन किया या आपकी तरफ से अब तक क्या कदम लिए गए हैं इस चीज में? मैंने अभी तक कोई कदम लिया नहीं है, अभी लेना है मुझे सर, कभी। तो आपने बताया कि आपने 2009 में ये फ्लैट जो है बुक किया था और आपको 2013 पोजीशन डेट मिला था। तो सर, 2013 के बाद या जो पोजीशन डेट थी उसके बाद आपने आपको कैसे एहसास होना शुरू हुआ कि अब ये मेरे साथ धोखाधड़ी हो रही है? नहीं, मेरे को एहसास तभी होने लगा था, उसके बाद मुझे वो उनका अपना जो प्रीमियम जो है ड्यू था वो मेरे को हर टाइम में लेटर आते थे, मैं देख रहा था स्ट्रक्चर खड़े हो रहे थे। मैं सोचा ठीक है, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली, बट लास्ट मोमेंट में मुझे एक लेटर आया था, आप मुझे 1 लाख रुपये और दे दो अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल रूटीन पेमेंट, 1 लाख रुपये और दे दो, तो प्रोजेक्ट हम जल्दी से जल्दी कम्प्लीट कर रहे हैं। वो 1 लाख रुपए देने के बाद में मैंने जब 3 महीने 6 महीने के बाद उनका ऑफिस गया, उसके बाद करके एज इट इज खड़ा स्ट्रक्चर के अच्छा, पास आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर से हटके आपसे 1 लाख रुपए ऊपर मांगे गए कि ऊपर आपको जल्दी मिल जाएगा जल्दी मिल फ्लैट जाएगा। पर्सनली, यस, बाकी बाकियों के बजाय बाकियों आपको के बजाय पर्सनली? मारे मुझे मालूम नहीं, मेरे को जी लेटर जी आया गया था, मैं लेटर के बाद में पेमेंट भी कर दिया। आपने पेमेंट भी कर दी और उसके यस, बाद उसके कोई बाद कोई एक्शन कब नहीं, आपने ये पेमेंट की थी? पेमेंट किया मैंने 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल से ऊपर आप कोई पेमेंट करे हुए होंगे, यस तो यस, अब उनकी तरफ से कोई कोई रिस्पॉन्ड, कोई रेस्पॉन्स लेटर आ रहा है अभी? नहीं, नथिंग। कोई लेटर नहीं? तो आपने साइट विजिट की या साइट पे कुछ देखा आपने? साइट विजिट किया, साइट स्ट्रक्चरिंग बना रखा है, और जो प्रोजेक्ट मैनेजर इज नॉट आंसरेबल, वो कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, जब तक सबका चलेगा आपका भी चलेगा। तो सिंपल ये है। तो सर, अब तक आपने किस किस स्टेप के हिसाब से अब तक कार्रवाई करी है? आपने कितनी बार आप उनके ऑफिस जा चुके हैं, कब किस किस मीटिंग मैं में? पर्सनली 3 बार जा चुका हूँ, उसके बाद अपने बच्चों के साथ 4 बार जा चुका हूँ, 7 टाइम मैं दिखा खा चुका हूँ। फाइनली अपने मिसेस के साथ गए थे, वो कह रहे थे ठीक है जब होगा तभी होगा, क्या कर सकते हैं, हम अकेले तो फाइट कर ही नहीं सकता। नोएडा के अंदर जितने भी जो बुकिंग किया था वो कह रहे एक एसोसिएशन बना हुआ नावा करके, उनके साथ जोड़ने के लिए मुझे किसी ने बताया गया था, वो मैं अभी कर नहीं पाया ड्यू टू वर्क के कारण। तो सर, अब आप अगर आम्रपाली से अगर आपकी कोई बात रखी जाए आम्रपाली के सामने, तो आपका क्या राय है, क्या सजेशन है आम्रपाली के लिए? अमरपाली के लिए मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अमरेवाली कस्टमर को टाइम पे डिलीवरी नहीं देता है और पैसा लेके दूसरा प्रोजेक्ट में वो ट्रांसफर कर देते हैं, इसी वजह से वो डूबा है। तो सर, अभी जहां आप रह रहे हैं कि आपका अपना मकान है, रेंट का नहीं, है, मैं रेंट पे रह रहा हूँ। रेंट पे रह रहे हैं, यस, रेंट भी जा रहा है, बैंक रेंट की पे ईएमआई भी जा रही बैंक है? बैंक ही में मेरा अगले नेक्स्ट मंथ में ड्यू खत्म ही हो जाएगा, मैं पूरा ऑलमोस्ट 90% 95% में पेमेंट कर चुका हूँ, 95% आप पेमेंट कर कर चुके हैं, चुका। और साइट के हिसाब से सेंचुरियन पार्क की जो आपने विजिट करी, आपको क्या लगता है कि कब तक? मुझे लग नहीं रहा 2-3 साल और, अगर कुछ कोर्ट अगर कुछ डिसीजन ले लेते हैं देन वो सामने आ जाएगा, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज जब तक प्रेशर नहीं करेगा तब तक नहीं जा पाएगा। सर, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक रूल पास किया है कि जिन डेवलपर्स को फंड की कमी है वो अपने साथ एक को डेवलपर लाके उस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द बना सकते हैं। अभी सर, बिना परमिशन के आम्रपाली ने को डेवलपर लिया, नोएडा अथॉरिटी से उसकी परमिशन नहीं ली, नोएडा अथॉरिटी से कोई परमिट नहीं लिया कि मैं को डेवलपर के साथ जोड़ रहा हूँ, और उन्होंने साथ जोड़ दिया और लोगों को लेटर तक भेज दिया कि हम को डेवलपर जोड़ रहे हैं। ऐसी धोखाधड़ी हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि आम्रपाली सक्षम है अगर वो फंड की कमी की वजह से अब कर रहा सर है? एक बात बताओ, जब मेरे जैसे आदमी से 95% ले चुका है तो को डेवलपर के साथ मिलने का क्या फायदा है, वो तो अगेन दूसरे कस्टमर को चीट कर रहा है ना वो।
जो मेरे जैसे इन्वेस्टर 95% दे चुका है, मैं ऑलमोस्ट सब किसी से ले चुका होगा अबाउट 90% और ऑलमोस्ट 90% ले चुका है, तो को डेवलपर साथ मिलकर कैसे करेंगे, कर ही नहीं सकता वो चीज। तो सर आम्रपाली के डायरेक्टर से अगर आपकी सीधी बात कराई जाए तो कोई एक संदेश उनके लिए आप छोड़ दें। और संदेश क्या दे दूं, संदेश को दे नहीं सकता, जब डायरेक्टर अगर सामने आएगा तभी तो संदेश में दे सकते हैं, डायरेक्टर सामने ही नहीं आ रहा। मैं 7 बार विजिट किया हूँ, पर्सनली विजिट किया हूँ, प्रोजेक्ट ऑफिसर एज वेल एज उनका ऑफिस गया था, डायरेक्टर सामने नहीं आता। सर रियलिटी मीडिया इसी चेन को ब्रेक कर रहा है कि जो डायरेक्टर सामने नहीं आ रहा, ये बात सर अब उन तक पहुंचेगी जो सर इन्होंने मैनेजर्स बिठा रखे हैं नीचे लोगों को समझाने के लिए, अब डायरेक्टर्स तक ये बात जाएगी। तो सर रियलिटी मीडिया के साथ इस मुहिम में आप शामिल होना चाहेंगे? बिल्कुल चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे, अगर आप सामने अगर आ जाएंगे हम आपके साथ चलेंगे, तो क्वेश्चन नहीं है। बट उसमें क्या है, डायरेक्टर इसी वजह से नहीं आ रहे हैं, डायरेक्टर नीचे वाले लोगों को उसको बता रखा है, स्टडी समझा कर रखा है, कोई भी कस्टमर आएगा तो इस वे में चल रहा है, उसके ऊपर तो उनके पास भी कोई आंसर है नहीं। जवाबदेही बनती है आम्रपाली की अपने कस्टमर्स के लिए जो कि अब तक वो नहीं दे रहे हैं। रियलिटी मीडिया पूरी कोशिश कर रहा है इस चीज को, इस चेन को ब्रेक करने की कि अब आम्रपाली के डायरेक्टर्स को सामने आना पड़ेगा और आकर जवाब देना पड़ेगा लोगों को। देखते रहिए रियलिटी मीडिया हमारे साथ और कस्टमर्स के साथ, हम जुड़ते रहेंगे इसी मुहिम में आगे।